सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब से सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी M31S को लॉन्च किया है उसके बाद से सैमसंग गैलेक्सी A51 के सेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और उसके कारण सैमसंग को यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A51 की जो प्राइसिंग है उसे भी कम करना पड़ा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अभी सैमसंग गैलेक्सी A51 आप लोगों को कितना में मिल जाएगा और अगर आप लोगों के पास HDFC और SBI का कार्ड है तो आप लोगों को ये स्मार्टफोन और भी सस्ता यहाँ पर मिल सकता है। और क्या सैमसंग का A51 सैमसंग गैलेक्सी M31 से बेहतर है और क्या आप लोगों को A51 बाय करना चाहिए सैमसंग के M31S को छोड़ के और क्या आप लोगों को M31S बाय करना चाहिए A51 को छोड़ के, सभी कुछ आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि दोनों अभी स्मार्टफोन की प्राइसिंग क्या है। सैमसंग गैलेक्सी A51 दो वेरियंट के साथ आता है, एक आता है 6GB 128GB, एक आता है 8GB 128GB। अभी सैमसंग गैलेक्सी A51 6GB का जो वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 23,999 रुपीज़, यानी कि 24,000 रुपीज़ अभी 6GB वेरिएंट की प्राइसिंग यहां पर सैमसंग ने रखा है। अगर आपके पास HDFC और SBI का कार्ड है तो आप लोगों को ये स्मार्टफोन 22,490 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप लोगों को लगभग 1500 रुपीज़ का कार्ड के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा और 1250 रुपीज़ का यहाँ पर सैमसंग ने 6GB के ऊपर प्राइस कट किया है, क्योंकि सब पहले सैमसंग का जो A51 है ये 6GB वेरिएंट आप लोगों को 25,250 रुपीज़ में मिल रहा था। हालांकि जो अभी प्राइसिंग है यानी कि 24,000 रुपीज़ ये सैमसंग गैलेक्सी A51 की लॉन्च प्राइसिंग है, क्योंकि लॉन्च सैमसंग A51 इसी प्राइसिंग में हुआ था। और 8GB की बात करें तो पहले 8GB का वेरिएंट आप लोगों को मिल रहा था 27,999 रुपीज़ में, लेकिन अब आप लोगों को मिलेगा 25,999 रुपीज़ में, यानी कि अभी आप लोगों को भी 26,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो क्या हमें लगभग 24,000 और 26,000 रुपीज़ में देख के सैमसंग का A51 बाय करना चाहिए या फिर हम लोगों को सैमसंग का M31S बाय करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक स्पेसिफिकेशन यहाँ पर सेम है और कुछ आपको अच्छे फीचर्स यहाँ पर सैमसंग के M31S में देखने को मिलता है। मैं मानता हूँ कुछ अच्छे फीचर्स आपको सैमसंग के M31S में मिलता है, लेकिन सैमसंग का जो A सीरीज है वो सैमसंग का एक मिड प्रीमियम सीरीज है और कुछ आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जिस तरह से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर, नॉक सिक्योरिटी, ये सब आप लोगों को सैमसंग के M सीरीज में नहीं मिलता है। हालांकि जो सॉफ्टवेयर है, जो UI है, वो भी आप लोगों को कोर वेरिएंट मिलता है सैमसंग के M सीरीज में, जबकि आपको A सीरीज में फुली स्टेबल अपडेट मिलता है। तो ये यहाँ पर एक डिफरेंट निकल के सामने आता है। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है, तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों स्मार्टफोन बेहतर है। आपको देखना होगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको नीड क्या है, आपको किस लिए स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए। कैमरा के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप मिलेगा, दोनों स्मार्टफोन का कैमरा अच्छा है। और अगर आप लोग पैसे बचाने के लिए सैमसंग का M31S बाय करना चाहते हैं तो आराम से आप लोग कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सैमसंग का S रेंज एक थोड़ा ऊपर रहता है, इसलिए मैं उसे रिकमेंड करता हूँ। तो अगर आप लोग M31S लेने का सोच रहे थे सैमसंग के A51 को छोड़ के, तो डेफिनेटली आप लोग M31S को बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बेटर कैमरा मिलता है, चार्जर जो है इसको इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है, अब आप लोगों को 25 वाट का मिलता है। तो ओवरऑल M31S एक बेहतर डील है A51 के कंपैरिजन में, लेकिन A51 भी एक बेहतर डील है। अगर आप लोग उसको बाय करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग M31S आप लोग यहां पर बाय कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।